It's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बोया बीवा M1 माइक की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट में बता देना, आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो सिनेमैटिक शॉट्स देखे वो मैंने ही शूट करे हैं और एडिट करे हैं, तो आपको कैसे लगे यार एक बार कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बोया बीवा M1 माइक के पूरा रिव्यू देने वाला हूँ आपको कि क्या बोलते हैं कि बोया बीवा M1 माइक आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसका क्या प्राइस है एंड क्या सारी चीज़ें हैं सब आपको बताने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक वॉच करते रहना। अगर आप एक माइक खरीदना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली माइक खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक वॉच करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट। बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो बोया माइक का थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा छोटा सा बॉक्स हमें देखने को मिलता है एंड फीचर्स अगर देखिए तो इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये जो माइक है वो स्मार्टफोन, DSLR, PCs और लैपटॉप्स के साथ अच्छे से कंपैटिबल हो जाता है। एंड फिर अब बात करते हैं बॉक्स के अंदर की। तो आपको देखने को मिल जाता है एक ब्लैक कलर का पाउच जिसे अभी हम लोग निकालते हैं एंड इसके साथ हमें एक गाइड यानी कि यूजर मैनुअल भी मिलती है। जो बोया का पाउच है वो एक लेदर या फिर रैगजीन का ब्लैक कलर का पाउच है बोया की ब्रांडिंग के साथ में। अब बात करें तो इसके बॉक्स कंटेंट्स की, तो आपको देखने को मिल जाता है एक और यूजर मैनुअल जो कि टेक्निकली किसी काम का नहीं है एंड इसके अंदर आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है छोटा सा कि ये बोया सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जो कि एक कूपन कोड जैसा लगता है। एंड अब आप लोग देखते हैं बॉक्स पाउच के अंदर। एंड पाउच के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है जैसे कि हमें एक ब्लैक कलर का माइक्रोफोन जागरी की जो हमारा मेन माइक है वो मिल जाता है एंड एक पाउच मिल जाता है छोटा सा पॉलिथिन जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड आप लोग देख सकते हैं जो पाउच के अंदर सबसे पहली चीज़ निकल के आती है वो एक बैटरी है LR44 जो कि आपके बोया माइक के अंदर लगती है अगर आप DSLR से शूट करते हैं। विंड कैंसिलेशन फोम, उसके साथ एक क्लिप मिल जाती है कॉलर में लगाने के लिए एंड एक कनेक्टर ऑडियो रिकॉर्डर्स एंड एम्पलीफायर्स में कनेक्ट कर। अब बात करते हैं इसके जो माइक की, तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का छोटा सा माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है जो कि मेन चीज़ जिससे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी इस माइक से आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर स्मार्टफोन्स में। एंड फिर आपको देख सकते हैं इसकी जो केबल की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, एक ब्रेडेड केबल आपको देखने को मिल जाती है जिसकी हाइट 20 फीट है। फिर इसके बाद आपको एक पावर मॉड्यूलेटर मिल जाता है जो कि 18 ग्राम्स का है एंड इसमें आप लोग दो बटन देख सकते हैं स्मार्टफोन एंड कैमरा का, जिससे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस मोड को आपको सिलेक्ट करना है। एंड आप लोग इस पावर मॉड्यूल को बीच से रोटेट करके, सेंटर से रोटेट करके इसको ओपन कर सकते हैं एंड इसके अंदर आपको एक बैटरी का स्लॉट मिल जाता है जिसको आपको डालना है। एंड आपको 3.5 mm का एक गोल्डन प्लेटेड जैक भी मिल जाता है जो आपके DSLR स्मार्टफोन लैपटॉप में PC के अंदर लग जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग अपने क्लिप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड आप लोग अपने विंड कैंसिलेशन फोम को भी सिंपली से ऐसे चढ़ा सकते हैं। अभी आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख ली है, मेरे चैनल की फर्स्ट अनबॉक्सिंग थी, तो यार अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करी थी। एंड गाइस अब हम लोग फटाफट से इसका ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितने रुपए का यह माइक खरीदा है एंड आप लोगों को कितने रुपए का पड़ जाएगा, तो यार इस वीडियो को भी देखते रहना। तो गाइस अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है मेरे फोन के इंटरनल माइक से, फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अभी मैंने बोया बीवा M1 का माइक यूज नहीं किया है, तो चलिए अब शिफ्ट करते हैं बोया बीवा M1 माइक पर। तो अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है बोया बीवा M1 माइक से, तो अभी आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कंपैरिजन आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से इसके प्राइस की। तो यार ये प्राइस मुझे पड़ा है 800 रुपये का। 800 रुपये का यह मुझे माइक मिल गया था। आप लोग को अमेज़ोन का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से खरीदेगा तो आप लोग डायरेक्ट सीधा बोया बीवा M1 के ओरिजिनल माइक के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कोई क्वेरी हो और मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो यार चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो बाय।